दीपावली के इस पवित्र त्यौहार में भारतीय कला के प्रति प्यार और समर्पण दिखाता हुआ है। अब बाजार में बदलाव की हवा चल रही है। कुम्हारों की पारंपरिक कला को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने इस दिवाली प्रण लिया है कि वह मिट्टी से बने दियों से ही दीपावली मनाएंगे। कुम्हारों की दशा इनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण की गहरी भावना से भरी होती है। वह अपनी कला को पीढ़ियों से बचाते आ रहे हैं और उसे बढ़ावा देने के लिए मेहनत और समर्पण से काम करते हैं। कुम्हारों का कहना है कि बाजार में चाइनीज दिए और इलेक्ट्रॉनिक झालरों की वजह से मिट्टी के दिए और मूर्ति का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दिवाली के त्यौहार में मिट्टी की मूर्तियाँ और सिर्फ 25% बिकती है, जिससे आर्थिक संकट हो जाता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो मिट्टी का ये है कि हम मिट्टी का यूज करेंगे तो मिट्टी फिर मतलब मिट्टी में मिल जाएगा और बाकी और चीजों का हम करते हैं तो फिर वेस्ट जाता है। वो ये भी अच्छे होते हैं और हमको इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए भी रहता है जो खुद से अपनी मेहनत से करके बनाते हैं, तो उनको उनके लिए भी दिवाली अच्छी हो और हम भी अच्छे से दिवाली बना पाए। लोगों से भी कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाइए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे और दिए जलाना अच्छी बात है। इन लोगों से भी दिए लेने जाए, इनका काम आगे बढ़ाया थोड़ा। ये लोग भी उम्मीद लेके ही बैठते हैं कि हमारा भी काम चले। आजकल लोग नए नए तरीके के पानी वाले दिए, लाइट वाले दिए सभी लाते हैं। इन लोगों ने इनका काम कुछ कम कर रखा है तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका भी काम अच्छी ढंग से चले और हम लोग इनका पुश्तैनी रोजगार है। दूसरा, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हमारी है, जिससे इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। इसलिए हमारा बहुत कम हो गया ना, पहले 50% होता था, 50% रह गया। लोग आ रहे हैं, खरीदारी बहुत कम आ रहे हैं, एक आध घंटे में एक आध आ जा रहे हैं कस्टमर, छोटा मोटा। पहले लाइन से लगे रहते थे कस्टमर, अब नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? चाइनीज माल की वजह से नहीं आया, चाइनीज माल बाजार में ज्यादा अच्छा।